अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। इस दौरान प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बारे में स्वामी सत्येंद्र दास ने कहा कि कार्यक्रम के पहले सभी देवी देवताओं की पूजा की जाएगी और सभी देवताओं को भोग लगाया जाएगा। साथ ही 9 ग्रहों की विशेष पूजा की जाती है, जिससे कि प्राण प्रतिष्ठा में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। साथ ही शुद्धिकरण के बाद प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र से भगवान रामलला को आमंत्रित किया जाएगा। बाईस जनवरी की सारी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं, कॉरिडोर सारे बन के तैयार हैं। ऑलमोस्ट 30 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सबको लोकार्पण किया जाना प्रस्तावित है। उसके अलावा जो हमारे ट्रैफिक प्लान्स हैं वो तैयार हैं, पार्किंग लॉट्स सब तैयार कर लिए गए हैं, जहाँ पर लोग आएंगे, किस प्रकार से उनका मूवमेंट होगा और किस प्रकार से पिलग्रिम्स को हमको एक्सेस देना मंदिर तक, तो वो सब चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। और 22 जनवरी के बाद जब मंदिर दर्शन खुलेगा, उसके बाद फिर जैसे जैसे हमको आवश्यकता दिखेगी उस प्रकार से हम लोग अपना, उसमें पहले सभी देवताओं का आह्वान किया जाता है मंत्रों के द्वारा और उनकी पूजा की जाती है। इसमें वो जो कार्यक्रम शुरू होगा यह पहले से शुरू हो जाएगा और सारे देवताओं को जो हमारे 56 प्रकार के भोग भी लगेगा और साथ साथ ये है कि 9 ग्रह की पूजा विशेष रूप से की जाती है, जिससे कि किसी प्रकार की बाधा न हो। उसी मंगलाचरण के रूप में प्रारंभ होगा।